In last part of this chapter, we have studied about animal fiber wool. हमने वूल के डिफरेंट स्टेप्स पढ़े कि किससे कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है, वूल फैब्रिक उससे प्रिपेयर किया जाता है, और उससे होने वाली एक डिजीज़ भी पढ़ी थी जिसे सॉर्टर डिजीज़ बोलते हैं. और इसके अलावा जो बेस्ट वूल होता है वो हमें कौन सी कंट्रीज़ में मिलता है, इंटरनेशनल वूल सेक्रेट के जो मेम्बर है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या यूरुग्वे, इन कंट्रीज से हमें बेस्ट क्वालिटी का वूल मिलता है. इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में. सिल्क इज़ अ स्ट्रॉन्ग बट लाइट एंड सॉफ्ट क्लोथ हैविंग शिमरिंग अपीयरेंस. अब सब ने सिल्क का कपड़ा देखा होगा. सिल्क जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हल्का होता है और बहुत सॉफ्ट होता है, और उसके ऊपर एक शाइन होती है, शिमरिंग मतलब शाइनिंग होती है उसके ऊपर. सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स ऑब्टेंड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मॉथ और सिल्कवॉर्म. सिल्क फाइबर जो है वो भी एक एनिमल फाइबर है. जैसे हमने अभी वूल पढ़ा था, वूल भी हमें एनिमल से मिलता है, वैसे सिल्क भी एनिमल से मिलता है. और ये जो सिल्क मॉथ या जिसको हम सिल्क वॉर्म बोलते हैं, ये कीड़े सा होता है, उसके जो कोकून होते हैं उससे हमें सिल्क मिलता है. द रियरिंग सिल्क मॉथ फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. सेरीकल्चर क्या होता है, जब हम सिल्क मॉथ को पालते हैं सिल्क के लिए तो वो कहलाएगा सेरीकल्चर. डिस्कवरी ऑफ सिल्क. सिल्क कैसे डिस्कवर हुआ. सिल्क वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना. सबसे पहले सिल्क को कहाँ डेवलप किया गया था, चाइना के अंदर. अकॉर्डिंग टू वेल एस्टेब्लिश चाइनीज लीजेंड, एम्प्रेस शी लिंगशी वाइफ ऑफ एम्परर ह्वेंग टी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सीडेंटली डिस्कवर सिल्क एज अ वीवेबल फाइबर. ये जो एम्परर वहाँ जो राजा जो किंग थे, उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था कि सिल्क जो है उसको कपड़े में गूंथ सकते हैं और उसका कपड़ा बना सकते हैं. ये जो वाइफ थी उनकी, जिसका नाम था शी लिंगशी, और इनके हस्बैंड जो किंग थे उनका नाम था ह्वेंग टी, उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर करी थी. इट वॉज कैप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर. और ये उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर तो कर ली थी, उनको एक्सीडेंटली पता चल गया था कि उसके कपड़े बना सकते हैं इस तरह से, लेकिन उन्होंने इसको एक सीक्रेट की तरह रखा बहुत सारे सालों तक. नॉलेज ऑफ मेकिंग सिल्क रीच्ड इंडिया ओनली इन 300 AD बाय ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स. ये जो सिल्क का जो नॉलेज था कि सिल्क से इस तरह सिल्क मौत होता है, इससे सिल्क के जो रेशे निकलते हैं फिर उससे कपड़ा बना सकते हैं, ये जो नॉलेज था सिल्क का वो इंडिया में 300 AD में आया. और ये यहाँ पर कौन लेके आया इसका नॉलेज, ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स जो वहाँ से दूसरी चाइना से जो भारत में जो लोग व्यापार करने आते थे, ट्रेडर्स मतलब व्यापारी जो आते थे या फिर जो ट्रैवल करते थे वहाँ से, या उन लोगों के थ्रू हमें ये जो नॉलेज सीक्रेट था उनका चाइना का वो पता चला था. सिल्क मॉथ्स वर ऑल्सो ट्रेडेड टू यूरोपियन कंट्रीज बट दे कुड नॉट सर्वाइव देयर ड्यू टू कोल्ड वेदर. सिल्क मॉथ जो होते थे उनका भी व्यापार किया जाता था यूरोपियन कंट्री में, लेकिन वहाँ पर वो जिंदा नहीं रह पाते थे. क्यों नहीं रह पाते थे, क्योंकि यूरोपियन कंट्री के अंदर मौसम कैसा होता है, ठंडा मौसम होता है, कोल्ड वेदर होता है. हाउ एवर इटली बिकेम सिल्क सेंटर फॉर वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ यूरोप. लेकिन इटली जो है, इटली सिल्क का सेंटर था यूरोप कंट्रीज़ के लिए, मतलब जितनी भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है उनके अंदर इटली के अंदर सबसे ज़्यादा सिल्क मिलता था. ये नेक्स्ट हमें ये दे रखा है वूल मार्क. ये वूल मार्क किस तरह का सिंबल है. वूल मार्क इज़ अ सिंबल ऑफ क्वालिटी टू अश्योर दैट द वूलन क्लोथ इज़ मेड फ्रॉम प्योर वूल. जिस वूलन के कपड़े के ऊपर इस तरह का वूल मार्क लगा होता है उसका मतलब ये है कि ये जो कपड़ा है वो प्योर वूल से बना हुआ है, शुद्ध ऊन से बना हुआ है. दिस लोगो इज़ असाइंड बाय इंटरनेशनल वूल सेक्रेटरीट IWS एस्टेब्लिश इन नॉर्थ यॉर्कशायर यूनाइटेड किंगडम. यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल वूल सेक्रेटरीट, ये जो लोगो है ये उसने दिया है. सिल्क इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल नेचुरल फाइबर, इट इज़ इवन स्ट्रॉन्गर देन द स्टील फाइबर. सिल्क जो है वो जितने भी नेचुरल फाइबर है उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. इवन ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर हम एक वैसा ही स्टील का फाइबर ले लें तो स्टील और अगर सिल्क के फाइबर में हम कंपेयर करेंगे तो सब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिल्क का फाइबर निकलेगा, ना कि स्टील का फाइबर.
चाइना इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, चाइना जो है सिल्क की लीडिंग प्रोड्यूसर है, मतलब सबसे ज़्यादा चाइना के अंदर ही सिल्क मिलता है। अदर मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर जापान, इंडिया एंड इटली। इस चाइना के अलावा और कहाँ कहाँ सिल्क मिलता है? जापान में, इंडिया में और इटली में। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मॉथ। बेस्ट क्वालिटी का सिल्क जो है वो कहाँ से मिलता है? सिल्क मॉथ के जो कोकून होते हैं उनसे, और उसका नाम क्या है? बॉम्बेक्स मोरी। बॉम्बेक्स मोरी नाम का जो सिल्क मॉथ होता है उसके कोकून से हमें सबसे अच्छी क्वालिटी का सिल्क मिलता है। इट्स कैटरपिलर फीड ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज। ये एक पेड़ का नाम होता है मलबरी ट्रीज। सिल्क वॉर्म जो होते हैं वो इसी पेड़ की, इसी ट्री की लीव्स को खाते हैं। दिस वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ इज़ कल्टिवेटेड इन चाइना एंड माउंटेनियस रीजन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, नदर्न इंडिया। ये जो वेराइटी है सिल्क मॉथ की वो जनरली चाइना में या फिर नॉर्थ इंडिया के अंदर जो पहाड़ी इलाका है माउंटेन वाला, वहाँ पर मिलती है। अगला हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ टाइनी एग्स ऑन द मलबरी लीव्स। फीमेल सिल्क मॉथ जो होती है वो कई सारे अंडे देती है मलबरी लीव्स के ऊपर। द लार्वा दैट हैच आउट द एग्स आर कॉल्ड कैटरपिलर्स। फिर उसके वो लार्वा जो एग से बाहर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। दे फीड ऑन मलबरी लीव्स वाइग्रसली एंड ग्रो इन साइज। वाइग्रसली मतलब लगातार वो जो होती है मलबरी लीव्स खाती रहती है और उनका जो साइज है वो बढ़ता जाता है। व्हेन अ कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द प्यूपा स्टेज इट्स स्टॉप फीडिंग। जब कैटरपिलर प्यूपा स्टेज में एंटर करने वाली होती है, मतलब कैटरपिलर के बाद अगली स्टेज जो होती है वो होती प्यूपा स्टेज होती है, तब जब वो इस स्टेज के अंदर एंटर करने वाली होती है तो खाना बंद कर देती है, मलबरी लीव्स को खाना बंद कर देती है। और उसकी जो सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट्स फाइबर अराउंड द प्यूपा, और उसकी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, जैसे हमारे गले में भी सलाइवरी ग्लैंड होती है ना, उसी तरह उनके भी एक सलाइवरी ग्लैंड होती है, वो एक फाइबर सीक्रेट करती है प्यूपा के चारों ओर। द फाइबर इज मेड ऑफ अ प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड फॉर्म्स अ कवर अराउंड द प्यूपा। ये जो फाइबर जो होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है, और जैसे ही हवा के एक्सपोजर, मतलब उसके हवा के कॉन्टैक्ट में आता है तो कैसा हो जाता है? हार्ड हो जाता है और प्यूपा के चारों ओर एक कवरिंग बना देता है। दिस कवर अराउंड द प्यूपा कॉल्ड कोकून। और ये जो कवरिंग बन जाती है वो क्या कहलाती है? कोकून। इट इज़ बॉल शेप्ड एंड इज़ फॉर्म्ड ऑफ सिल्क फाइबर। ये बॉल शेप की होती है और सिल्क फाइबर से बनी होती है। यहाँ पे हमें लाइफ साइकिल दिखा रखा है, जैसे एग, एग से क्या बना? सिल्क वॉर्म बना। सिल्क वॉर्म से फिर कोकून बनेगा, और कोकून बनेगा, कोकून से फिर कोकून के अंदर की तरफ एक मॉथ डेवलप होगा, फिर बाद में वो क्या बन जाता है? फीमेल और मेल अलग अलग बटरफ्लाई जैसा बन जाता है। नेक्स्ट इज फ्रॉम कोकून टू सिल्क। सेरीकल्चर जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है, कैसे कोकून से सिल्क बनाया जा रहा है, उसके जो भी स्टेप्स हैं अलग अलग, वो अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है। द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। जब हम सिल्क प्रोड्यूस करने के पर्पस से सिल्क वॉर्म को कल्टिवेट करेंगे, उनको पालेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? सेरीकल्चर। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कौन सी है? चाइना। और चाइना के बाद कौन सी कंट्री है? इंडिया। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क की। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्क मॉथ्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। किस तरह से सिल्क मॉथ से सिल्क प्रोड्यूस किया जाएगा, इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप जो है, एग्स ऑफ सिल्क मॉथ आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लोथ और पेपर एंड सोल्ड टू द सिल्क मॉथ फार्मर। सिल्क मॉथ के जो अंडे होते हैं, एग होते हैं, उनको स्टोर करके रख देंगे किसके ऊपर? कपड़े की स्ट्रिप के ऊपर या पेपर की स्ट्रिप के ऊपर। और उसको जो सिल्क मॉथ फार्मर है, जो कि क्या करेगा? सेरीकल्चर करेगा, उसको बेच देंगे। सेकेंड स्टेप जो होता है उसके अंदर, द एग्स आर कैप्ट बाय द फार्मर अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर कंट्रोल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये जो एग्स जो बेचे हमने सिल्क मॉथ फार्मर को, वो क्या करेगा? इन अंडों को साफ़ सुथरी हाइजीनिक कंडीशन में और ऐसी जगह पर रखेगा जहाँ पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है? एयर के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो ह्यूमिडिटी कहलाता है। तो इन कंट्रोल्ड कंडीशन में इनको रखा जाएगा।
कब तक रखा जाएगा? जब तक कि कैटरपिलर जो है वो उनके शेल से बाहर नहीं आ जाती। फिर थर्ड स्टेप जो होता है उसके अंदर, द सिल्क मॉथ कैटरपिलर्स आर कैप्ट इन बैम्बू ट्रेज एंड फेड ऑन फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। ये थर्ड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, कैटरपिलर बाहर आ जाएगी, अब वो कैटरपिलर को हम बैम्बू ट्रे में रखेंगे और उसको खाने के लिए फ्रेशली चॉप्ड, चॉप्ड मीन्स पूरी पूरी पत्तियाँ नहीं, उसके टुकड़े करके, मलबरी लीव्स के टुकड़े करके उसको खाने के लिए देंगे। स्टेप फोर के अंदर, वैन द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग, जब कैटरपिलर्स खाना बंद कर देगी, दे आर शिफ्टेड टू बैम्बू चैम्बर्स प्रोवाइडेड विद अ स्मॉल रैक्स। फिर उनको एक बैम्बू, बैम्बू जिसको हम हिंदी में बम्बू बोलते हैं, बम्बू की जो बनी स्ट्रिप्स बनी हुई स्मॉल, उसकी एक रैक बनाई जाती है, उसकी ट्विग्स को यूज़ करके उसके अंदर रखा जाता है। यहाँ अब जो कैटरपिलर्स है, अब वो कैटरपिलर्स ने खाना तो बंद कर दिया है, अभी हमने पढ़ा कि उनकी ग्लैंड से क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड से एक फाइबर निकलता है जिसकी मदद से वो क्या बनाती है, कोकून बनाती है। तो यहाँ पर अब वो कैटरपिलर्स जो है वो कोकून बनाना स्टार्ट कर देगी। इनसाइड द कोकून द प्यूपा कंटिन्यूज ग्रोइंग, तो उस कोकून के अंदर क्या होता है, प्यूपा होता है, प्यूपा क्या है, लिविंग है, वो ग्रो करना स्टार्ट करता रहता है, कंटिन्यू करता रहता है। स्टेप फाइव के अंदर, एट द एंड ऑफ प्यूपल स्टेज द मोथ मॉथ कट्स द कोकून एंड फ्लाइज आउट। जब प्यूपल स्टेज का एंड होता है तो वो मॉथ क्या करता है, उसको कोकून को काट देता है, कोकून तो हार्ड हो जाता है हवा के प्रेजेंस में आने से, उसको काट देता है और उसमें से निकल कर उड़ जाता है। द कोकून आर देन सॉर्टेड आउट अकॉर्डिंग टू देयर कलर साइज शेप एंड टेक्सचर। अब जो कोकून हमें मिले हैं, कोकून में से जो मॉथ था वो तो उड़ के चला गया, तो अब क्या उन कोकून के अलग अलग कलर, उनके साइज़, उनके शेप, या वो सॉफ्ट है या हार्ड हैं थोड़े, उसके हिसाब से हम उनको अलग अलग सॉर्ट कर देते हैं, अलग अलग छाट देते हैं। द सॉर्टेड कोकून्स आर कलेक्टेड एंड इमर्ज इन बॉइलिंग वाटर टू किल द इंसेक्ट इनसाइड दैम। अब ये जो हमने अलग अलग छाट लिए कोकून को, इनको इकट्ठा करके और उबलते हुए पानी के अंदर डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, उनके अंदर अगर कोई भी इंसेक्ट है, कोई भी कीड़े वगैरह हैं, वो मर जाएंगे। एट स्टेप जो है उसके अंदर, कोकून आर गिवन अ सीरीज ऑफ हॉट एंड कोल्ड इमर्शंस, हॉट एंड कोल्ड। अब जो कोकून है उनको एक बार तो हमने क्या किया, बॉइलिंग वाटर में डाल दिया, जैसे कि उसके अंदर कीड़े मर गए, अब उनको लगातार हम क्या करेंगे, सीरीज में, एक बार हॉट में डालेंगे, एक बार कोल्ड में डालेंगे, एक बार हॉट में डालेंगे, एक बार कोल्ड में डालेंगे, इस तरह से करते हैं, जिससे क्या होगा, उसके ऊपर जो कवरिंग है कोकून के ऊपर वो कैसी हो जाएगी, गम सॉफ्ट हो जाएगी, मतलब सॉफ्ट हो जाएगी बिल्कुल, पहले तो वो हार्ड थी एयर की प्रेजेंस में आने के कारण, लेकिन अब वो सॉफ्ट हो जाएगी। नाइन्थ स्टेप के अंदर, द सिल्क फिलामेंट आर सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून्स। नाइन्थ स्टेप में हम सिल्क फिलामेंट को क्या कर देंगे, कोकून से सेपरेट कर देंगे, और ये जो प्रोसेस है सेपरेट करने का, सिल्क कोकून से सिल्क को अलग करने का, वो क्या कहलाता है, रीलिंग ऑफ द सिल्क। द रिजल्टिंग फाइबर इज नोन एज रॉ सिल्क। अब हमें जो फाइबर मिला है वो क्या कहलाता है, रॉ सिल्क कहलाता है। इट कैन बी डाइड इन टू वेरियस कलर, और इसको हम अलग अलग कलर में डाई कर सकते हैं, रंग सकते हैं। लास्ट जो स्टेप होता है, स्टेप 10, वो है सिल्क फाइबर आर देन स्पून टू गेट सिल्क यार्ड थ्रेड्स। सिल्क फाइबर को अब क्या करेंगे, उसकी लंबी लंबी सिल्क की थ्रेड्स में उसको चेंज कर देते हैं। सिल्क थ्रेड्स आर वोवन टू गेट सिल्क क्लोथ, और इन सिल्क थ्रेड्स को आपस में एक दूसरे से गूंथ कर क्या बनाया जाता है, सिल्क का कपड़ा बनाया जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, रीड दिस चैप्टर। Now we'll do exercise of this chapter. Choose the correct option. The process of rearing silk moth for production of silk is called. Silk worm का जो हम rearing करते हैं silk, silk के production के लिए, वो क्या कहलाती है, Sericulture. Anthrax disease is caused by. Anthrax किससे होती है, Anthrax एक bacteria से होती है जो कि wool के अंदर present होता है। सिल्क वॉर्म फीड्स ऑन डैश लीव, सिल्क वॉर्म कौन सी लीव्स पे खाते हैं, वो खाते हैं मलबरी लीव्स। एल्पेका एंड लेमा आर फाउंड इन, एल्पेका और लेमा हमें कहाँ मिलते हैं, एल्पेका और लेमा हमें साउथ अमेरिका में मिलते हैं। अ ट्रेडमार्क इंस्टीट्यूटेड बाय इंटरनेशनल वूल सेक्रेटरिएट इज, क्या बोलते हैं उस सिंबल को, उस सिंबल को बोलते हैं वूल मार्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। द कवर अराउंड द प्यूपा इज कॉल्ड, प्यूपा के चारों ओर जो कवर होता है उसको क्या बोलते हैं, कोकून, उसको बोलते हैं कोकून।
द फोर स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ अ सिल्क मॉथ आर, सबसे पहली स्टेज क्या होती है, एग, फिर एग के अंदर से क्या निकलती है, कैटरपिलर, कैटरपिलर, फिर कैटरपिलर के बाद कौन सी स्टेज होती है, प्यूपा, और प्यूपा के बाद में प्यूपा जब पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो क्या बन जाता है, मॉथ। द थ्रेड ऑब्टेंड इन द रीलिंग प्रोसेस इज कॉल्ड, जो थ्रेड ऑब्टेंड होती है रीलिंग प्रोसेस में उसको क्या हम बोलते हैं, हम रॉ सिल्क। रिमूवल ऑफ डैश फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप इज कॉल्ड शियरिंग, हम क्या रिमूव करते हैं शिप की बॉडी से, फ्लीस रिमूव करते हैं। फ्लीस क्या होता है, उसके अंदर उसकी टॉप स्किन निकल जाती है जिसके साथ उसके हेयर अटैच होते हैं। सॉर्टर्स वर्किंग इन वूल इंडस्ट्री में सफर फ्रॉम, कौन सी बीमारी हो जाती है उनको, एंथ्रेक्स नाम की बीमारी हो जाती है जिसको हम किस क्या बोलते हैं, सॉर्टर्स डिजीज भी बोलते हैं, सॉर्टर डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स, ऑल नेचुरल फाइबर कैन बी यूज फॉर मेकिंग क्लोथ, क्या सारे नेचुरल फाइबर को हम क्लोथ बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कॉटन को यूज़ कर सकते हैं, अब जो जैसे हमें फ्लैक्स होता है, जूट होता है, इन सब से हम सारे जो है वो क्लोथ बनाने के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट है, वूल ट्रैप्स मोर एयर इन इट एज कंपेयर टू कॉटन, वूल जो है वो ज़्यादा एयर ट्रैप करता है एज कंपेयर टू कॉटन, ट्रू। द इंसेक्ट इन द कोकून इज किल्ड बिफोर रीलिंग द सिल्क, इनको क्या करते हैं, कोकून को क्या करते हैं, बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं जिससे कि उसके अंदर के इंसेक्ट मर जाए, ये भी ट्रू है। सिल्क फाइबर आर लॉन्ग इवन स्ट्रेट एंड फाइन, सिल्क का फाइबर लंबा होता है, एक जैसा होता है, इवन होता है, स्ट्रेट होता है और अच्छा होता है, सॉफ्ट फाइन सा होता है, ये भी ट्रू है। ड्यूरिंग शोरिंग द शियर्ड हेयर इज वॉश्ड विद सोप सॉल्यूशन, शोरिंग के टाइम पे जो शियर्ड हेयर है उसको वॉश किया जाता है सोप सॉल्यूशन से, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, इसके अंदर आपको एक ऑप्शन चेंज करना है, गलत दिया हुआ है, सिल्क मॉक एग्स की जगह शिप कर देना है। तो सबसे पहला हमें दिया हुआ है वूल, वूल हमें किससे मिलता है, शिप से मिलेगा। शियरिंग, शियरिंग करते टाइम क्या किया जाता है, एंटीसेप्टिक में डाला जाता है उनको ताकि उनको कोई इन्फेक्शन ना हो। फिब्रोइन, फिब्रोइन क्या होता है, फिब्रोइन एक प्रोटीन है। स्कोरिंग, स्कोरिंग कब होती है, स्कोरिंग किसको बोलते हैं, वॉशिंग करने को स्कोरिंग बोलते हैं। मलबरी लीव्स, मलबरी लीव्स कौन खा के, मलबरी लीव्स कौन खाते हैं, सिल्क मॉथ खाते हैं और उसके बाद फिर कोकून को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट थ्री क्वेश्चंस विल बी प्रोवाइडेड टू यू, यू जस्ट रीड दिस चैप्टर, डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक एंड क्वेश्चन आंसर इन योर कॉपी। थैंक यू।